मुझे सुनने और देखने वालों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, फिर मेरे चैनल के होम गार्डनिंग में आप सबको खुश आमदीद। ये टमाटर के सीड्स मैं मार्केट से लेकर आया हूँ, नर्सरी से। अपना बहुत सारे ये सीड्स हैं, तकरीबन 20-25 मुझे नज़र आ रहे हैं। ये हाइब्रिड सीड्स है और हाइब्रिड सीड्स का सक्सेस रेशियो तकरीबन 90% तक होता है, तो देखते हैं। और इसमें फास्ट ग्रोइंग भी होती है हाइब्रिड सीड्स में। तो आज इसकी सीडलिंग कर रहा हूँ मैं। मौसम बहार स्टार्ट हो चुका है, स्प्रिंग सीज़न है। स्प्रिंग सीज़न में जो सीडलिंग की जाती है उसका सक्सेस रेशियो भी बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि उसमें हवा में नमी का तनासुब बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर इनको हवा के ज़रिए भी मिलता रहता है, तो सीडलिंग्स ज़्यादातर सक्सेस हो जाती है। तो ये सीडलिंग कर रहा हूँ मैं इसकी अभी, तो आपको साथ साथ मैं करते हुए भी दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सीड्स मैंने शॉपर से निकाल लिए हैं, बहुत बारीक बारीक सीड्स है इसके। तो अब मुझे इसको गैप गैप से स्प्रिंकलर में कर रहा हूँ, ताकि जब ये जर्मिनेट हो तो मुझे इनको रिपोर्टिंग करने में काफ़ी आसानी हो। तो बहुत छोटे छोटे ये सीड्स है और बहुत ही ज़्यादा है, मुझे तो लगता है ये 30-40 है। तो अगर 90% भी मुझे इसका रेशो मिलता है तो मेरे पास टमाटर्स के 15 से 20 पौधे हो जाएंगे, और 15 से 20 पौधे हो जाएंगे। और जब ये बड़े होंगे मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूँगा, और जब इनकी हार्वेस्टिंग होगी तो अच्छे खासे टमाटोस मुझे हार्वेस्ट करने को मिल सकते हैं। तो मैंने इनको अलग अलग कर दिया है, अभी अभी भी कुछ बीज एक साथ है, इनको थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ मैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पौधे मुझे मिल सके। इनको अलग अलग कर दिया है मैंने, अब इनके ऊपर मैं पतली सी एक लेयर बना देता हूँ। इसके बीज बहुत बारीक है तो इसीलिए हम इस पर जो लेयर बनाएंगे वो भी बहुत हल्की बनाएंगे, और आधे इंच की मैं लेयर बनाऊंगा इसके ऊपर। और लेयर बनाना भी इसलिए ज़रूरी होता है ताकि इनके बीज यहाँ पर रहे, हिले नहीं अपनी जगह से जर्मिनेशन के दौरान जब पानी इस पर डाला जाए। और सीडलिंग को जब आप वाटर देंगे तो वो भी आप इनको ज़ीरो के फवारे से देंगे, ताकि पानी के वेट की वजह से ये बीज इधर से उधर ना हो। और इनको आप, अब मैंने इनको हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सा प्रेस आप नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे लेकिन प्रेस आपने इतना ज़ोर से कर दिया होगा कि ये बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो इनको अब मैंने स्प्रिंकलर कर दिया है और लेयर से छुप के अब बीज नहीं दिख रहे मुझे, तो बस अब मुझे इसके ऊपर शावर करना है। तो बस आपको इसे ज़ीरो के फवारे से शावर करना है, ताकि बीज अपनी जगह पर बरकरार रहे और इनकी जर्मिनेशन बहुत अच्छे से हो। और आपको इसमें मॉइस्चर हमेशा बना के रखना है, अगर मॉइस्चर उड़ गया तो ये जर्मिनेशन नहीं हो पाएंगे। तो ये मॉइस्चर आपको बना के रखना है, मॉइस्चर इसका इस तरह बरकरार रहेगा। तो आपको टोमेटोस की वीडियो मेरी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीक में आपको इसकी जो अपडेट दूंगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन